हे व्हाट्सअप गेमर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ एपिक नाइट और इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि आप अपने फ़ोन में ऐप्स को किस तरह से हाइड कर सकते हो। ये जो मैं आपको ऐप बताने वाला हूँ, ये कोई एक पर्टिकुलर हिडन ऐप नहीं है, पर ये एक्चुअल एक लॉन्चर है जिसमें एक फीचर है ऐप हाइड करने का। तो इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको ऐप उस ऐप के बारे में बताता हूँ जो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, जिसका नाम है पोको लॉन्चर। अगर आप पोको भी सर्च करेंगे तो ये ऐप आ जाएगा। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है और यहाँ से मैं ओपन करता हूँ। ओपन करते ही ये मेरा स्क्रीन ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने इसके इंस्ट्रक्शन देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके ऐप्स को कैसे हाइड कर सकते हैं। इसके लिए मैं बताता हूँ इसकी ट्रिक क्या है। सबसे पहले आपको डबल स्वाइप करना है राइट में, तो आप देख सकते हो कि आपका हिडन ऐप का ओपन हो गया है और इसमें सिक्योरिटी भी है। तो सिक्योरिटी को मैं एक्सेस दे देता हूँ और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हिडन ऐप्स है वो दिखा रहा है। आप यहाँ से हिडन ऐप्स को निकाल भी सकते हो और डाल भी सकते हो। इसके लिए मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। सबसे पहले सपोज मुझे इसमें से अमंग अस को निकाला है तो मैं कैसे करूँगा। आप जैसे ही देख सकते हो यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ पेन जैसा एक आइकॉन है राइट साइड पे, टॉप राइट पे, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ से आप निकाल सकते हैं और अभी के लिए मैं इसे कॉल ऑफ ड्यूटी को डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अमंग अस को निकाल के कॉल ऑफ ड्यूटी को डाल दिया। और आप इसमें एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी मैं वापस अमंग अस को कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैंने कर लिया है। आप समझ ही गए होंगे यह कितना इजी ऐप है और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। इस ऐप के और भी फीचर हैं जैसे मैं अभी बताता हूँ। ये एक्चुअली एक हिडन ऐप नहीं, मैंने आपको बताया था ये एक लॉन्चर है अपने हम अपने फ़ोन का। तो आप इसमें इस अपने फ़ोन को पर्सनलाइज कैसे कर सकते हैं मैं अभी बताता हूँ। आप अभी देख सकते हैं आपके टॉप राइट कॉर्नर में एक होगा लिस्ट, सॉर्ट ऑफ लिस्ट टाइप का एक बटन। उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसका ऐप खुल जाएगा। और इसमें आप कस्टमाइज़ कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पर्सनलाइजेशन का बार है जिसमें अलग अलग ऑप्शंस है। इसमें आप क्या कर सकते हो, कस्टमाइज लेआउट, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो फोर ऐसे चार मेरे होम स्क्रीन पे 4x4 का ऐसा है, तो यहाँ पे मैं 4 की जगह 5 ये ऐप्स डाल सकता हूँ और यहाँ पे मैं इनके साइज़ को बड़ा घटा सकता हूँ। तो अभी मैंने अपना नॉर्मल रख दिया और इसे अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं ये खुल जाएगा। और अगर आपको वापस कुछ और करना है, जैसे कि यहाँ पर आइकॉन पैक एडिट कर सकते हो, मतलब जो आपका लुक है ऐप्स कैसे दिखे गए वो आप एडिट कर सकते हो। इसके अलावा बैकग्राउंड्स का में क्या है, ये है लाइट बैकग्राउंड। जैसे ही आपने कोई अपना फ़ोन में बैकग्राउंड लगा के रखा है, यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, यानी कि थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे लाइट में होगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा पूरा 0% में ना रखें और पूरा 100% में ना रखें, 25, 50 और 75 पे रखें। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसे 25 पे रखता है ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। 50 पे तो काफ़ी अच्छा था और 75 पे भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। और ये सेम डार्क थीम में भी है वैसा ही, बस आपका जो आप देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन पे फ़ोटोज़ उसके वैसा ही डार्क हो जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने फ़ोन को पर्सनलाइज करना चाहते हो। तो इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में इसे शेयर कर दो और प्लीज़ सपोर्ट करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।